अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ एजाज पटेल। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये है अल सुवेदी कैंप। अल सुवेदी कैंप है। यहाँ पे क्या एकोमेशन है और कौन से कंपनी वाले रहते हैं, ये अल सुवेदी कैंप 1 है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कोरोना टाइम का ये लगाया हुआ है बहुत। ये कैंप है, सीनियर एकोमेशन है। ये साइड में गेट के अंदर घुसते सीनियर एकोमेशन आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जूनियर एकोमेशन आ जाएगा। इस तरह से है कुछ। यहाँ पे एकोमेशन दिया जाता है अलमुजेन और कनुज को, और दूसरी भी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे एकोमेशन दिया जाते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी का, लोग देख सकते हो। इसमें ATM भी है रियाद बैंक वालों का, अगर किसी के पास कार्ड रहने का। इधर नियर में थोड़ा वही थोड़ा सा आगे जाओगे स्ट्रेट तो कैंप ऑफिस रहेगा, उसके आगे मस्जिद रहेगा, और उसके थोड़े आगे फर्स्ट एड मेडिकल रहेगा क्लिनिक, और उसके थोड़े आगे मेस हॉल रहेगा कैंटीन। चलिए मैं आपको, ये है सीनियर 2x1। एक रूम में दो लोग रहते हैं। अच्छा एकोमेशन है यहाँ का, बेहतरीन एकोमेशन है। जो अलमुजेन और कनूज वाले ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। सीनियर कैंप 1, ये कैंप 1 है अल सुवेदी का। और ये है जूनियर कैंप। जूनियर कैंप कुछ इस तरह से ऊपर नीचे टोटल 9 बिल्डिंग है। 9 बिल्डिंग में नीचे फ्लोर में 10 रूम है, ऊपर के फ्लोर में 10 रूम है। एक फ्लोर में 4 लोग रहते हैं। सीनियर कैंप में ही जूनियर कैंप है। चलिए मैं आपको रूम टूर करवाता हूँ। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए आपको तो लाइक सब्सक्राइब, और आपके दोस्त जो आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में उनको शेयर जरूर कीजिए। और ये वीडियो आप देख के भी आ सकते हो, इनका दूसरा भी एक कैंप है, मैं जल्द ही वो शूट करके आपको भेज सकता हूँ, अपलोड कर दूंगा शूट करके। और किसी मेरे भाई को अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ इसके रिलेटेड एकोमेशन के रिलेटेड कंपनी के रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो कैसा कंपनी है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, क्या फैसिलिटी मिलती है सीनियर को, क्या जूनियर को क्या फैसिलिटी मिलती है, सैलरी वगैरह सब कुछ मैं बता सकता हूँ। जी हाँ, E1 R16। शिव वाले है अंदर सो रहे हैं। एक रूम में 4 आदमी है, रूम काफी बड़ा है। एकोमेशन में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, और फूड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको इसका मेस हॉल कैंटीन दिखा देता हूँ बाहर से, क्योंकि अभी बंद रहेगा। खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा, या तो फिर मैं जवाब दे ही दूंगा आपको कमेंट में। और आप लोग अगर इंटरनेट नहीं है आपके पास, सिम वगैरह आपको बहुत महंगा है यहाँ पे, तो आप लोग ये वाईफाई है 35 रियल पर मंथ,
अनलिमिटेड कितना भी यूज़ करो 35 रियाल में, ठीक है। वो सामने है, वो मैस हॉल है, ये बास्केटबॉल है, वो वॉलीबॉल का ग्राउंड है, टेनिस और वॉलीबॉल का, ये बास्केटबॉल है। सब फैसिलिटी है यहाँ पे, किचन भी है, आप अगर अपना खाना जात से बना सकते हो अपने आप से तो बना सकते हो। और आपको दूसरे कोई गेम के बारे में अगर जानना है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आपके दोस्त को भी आप ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अगर आना चाहता है सऊदी में क्या फैसिलिटी मिलता है तो उसको भी पता चल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।